हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं कुछ हट के टॉपिक रख रही हूँ जो कि प्रेशर पॉइंट्स के बारे में है। दोस्तों, प्रेशर पॉइंट्स ऐसा चीज़ है कि कहीं भी किसी भी जगह हम आसानी से अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। और उसको प्रेशर पॉइंट्स होता क्या है कि एक पॉइंट्स पर दबाव देने से या प्रेशर पॉइंट्स करने से हम कई बीमारियों को इलाज कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बैक पेन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको बैक पेन में कोई भी स्टिफनेस है या उठने बैठने में तकलीफ हो रही है या पाँव में आपको ऐठन हो रही है, क्रेम्प आ रही है, तो उसके लिए मैं बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि आप थ्री पॉइंट के ऊपर प्रेशर देके आप अपना बैक पेन ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वो थ्री मेन पॉइंट्स क्या है। तो सबसे ये जो हमारा ये थंब आती है और इंडेक्स फिंगर आती है, उसके बीच में आप देखिए ये ब्लैक डॉट दिख रही है आपको, यहाँ पर हमको पॉइंट्स देना है। ठीक है, कितने बार देना है? तो एक मिनट तक हम ऐसे रोटेट करेंगे और इसको पॉइंट्स देंगे, रोटेट करेंगे इसको पॉइंट्स देंगे, रोटेट करेंगे इसको पॉइंट्स देंगे, एक मिनट तक ऐसे पॉइंट्स देना है। आप इससे भी दे सकते हैं, अगर आपके छोटा सा ऐसा पॉइंट्स है इससे भी कर सकते हैं, और नहीं कुछ है तो आप हाथ से दे सकते हैं। रोटेट करना है, प्रेशर देना है, रोटेट करना है, प्रेशर देना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? GV10। अब दूसरा पॉइंट्स है यहाँ पर ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये जो पॉइंट्स आते हैं, ये लिटिल फिंगर हो गया, और ये मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये जो काला डॉट दिख रहा है आपको, काला डॉट, वहाँ पर प्रेशर देना है। प्रेशर सेम देना है, रोटेट करना है, प्रेशर देना है, रोटेट करना है, प्रेशर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं GV3। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कहाँ देना है? तो ये जो हमारा मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के ऊपर ये जो हमारा तीन लाइन होती है ना, ये लाइन, उसके सबसे ऊपर वाला लाइन के ये साइड में कोने में दिख रहा है आपको, ये ब्लैक डॉट के हम यहाँ पर प्रेशर देना है। कैसे? ऐसे ऐसे रोटेट करना है, प्रेशर देना है, रोटेट करना है, प्रेशर देना है, रोटेट करना है, प्रेशर देना है। एक मिनट तक आप दिन में तीन बार आप रोज प्रेशर कर दे के देखिए। आपको कैसा भी बैक पेन हो, 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका बैक पेन चला जाएगा दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप पेन किलर खा लिए, पेन किलर आपको 6 घंटा 7 घंटा के लिए आपको असर दिखाएगा इमीडिएटली, ये इमीडिएटली नहीं होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, लेकिन 100% आपको क्योर होगा और अपना डॉक्टर आप खुद बन सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, आप करके देखिए। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपके पास मैग्नेट है तो ये छोटी मैग्नेट होती है, इसको आप क्या करिए, ये डॉक्टर टेप लीजिए। ठीक है, डॉक्टर टेप लेके इसको काला भाग ऊपर रखिए। ठीक है, इसको ऐसे आप इस पॉइंट्स पर ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, ये टेप अब 12 से 13 घंटा रात को लगा दीजिए, सुबह खोलिए, बस ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम, वो छोटी सी मैग्नेट लेके आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप कोई मेथी दाना भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से भी प्रेशर दीजिए तो बहुत ही असर करेगा। अगर आपको मैग्नेट किसी को चाहिए तो, अगर आप नैरोबी केन्या में हैं तो हमारे पास है, आप नोट कर सकते हैं मेरा टेलीफोन नंबर और आप यहाँ से मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरा टिप्स अच्छा लगेगा, आप करके देखिए, तो कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।